जैसे ही नेट्रॉन ओपन हो जाएगा, आप एक देख सकते हो ये सिमिलर टू न्यूक सॉफ्टवेयर जैसा इसका इंटरफेस है। एंड ये जो आपको ब्लैक कलर का जो स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल, तो इसको बोलते हैं व्यूअर। यहाँ पे आपका पूरा काम डिस्प्ले होता है, जो भी आप काम करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल आपको टूल बार दिखेगा, ये टूल बार है, उसमें बहुत सारे टूल्स है जो आप यूज़ करने वाले हो आपके प्रोजेक्ट्स में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमलाइन है, यहाँ पे दिस इज़ नोन एज अ टाइमलाइन। ये टाइमलाइन आपको फ्रेम नंबर दिखाती है, आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम दिखेगा, आपको फ्रेम्स पर सेकेंड, आपको करंट फ्रेम और प्लेबैक कंट्रोल्स भी दिखेंगे। यहाँ पे आपको एंड फ्रेम दिखाई दे रहा है 250। ये जो नीचे है इसको नोड ग्राफ बोलते हैं और ये व्यूअर नोड है। यहाँ पे मैं और एक कलर करेक्शन नोड लेके आ रहा हूँ और मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। जो लाइन है वो खींच के आप कनेक्ट कर सकते हैं। कर्व एडिटर जो है वो आपके कर्व्स दिखाता है, जब जैसे आपका एनिमेशन फ्लो होता है। और डोप शीट्स आपके की फ्रेम्स को आप मूव कर सकते हो डोप शीट में। ये टैब दबाने से आप आपका लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप उसमें कोई और प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। राइट पे प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ पे एस दबाने के बाद मुझे सेटिंग्स आता है, प्रोजेक्ट सेटिंग। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेटिंग 1920x1080 पे है, आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि जो भी आपका प्रोजेक्ट सेटिंग है। फ्रेम रेंज जो है वो आप सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट भी आप सेट कर सकते हैं, जीपीयू रेंडरिंग आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है जो है 1। मैं यहाँ पे एक कलर करेक्शन नोड लेके आ रहा हूँ और एक ब्लर नोड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड भी लिया है, यहाँ पे नंबर 1 है। आप देख सकते हैं जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ कोई भी नोड पे तो उसका प्रॉपर्टी मुझे दिख रहा है, जैसे ये ब्लर का प्रॉपर्टी है। ओके, तो मैं जैसे भी यहाँ पे 2 नंबर कर देता हूँ तो मुझे एट अ टाइम 2 प्रॉपर्टीज दिखते हैं, 2 नोड्स के प्रॉपर्टीज दिखते हैं। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो एट अ टाइम मुझे ट्रांसफॉर्म, कलर करेक्शन और ब्लर तीनों का भी मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखेगा। एक सजेशन है कि आप ये नंबर को कम ही रखें, जैसे 2 या 1, अगर आपके पास बहुत बड़ा मॉनिटर ना हो, मैनेज करने के लिए इजी होता है आपको। मैं ये नोट्स डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर है व्यूअर और कई प्रॉक्सी बटन्स है यहाँ पे। यहाँ पे मेन्यू सिस्टम है जहाँ पे मैं नया प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट सेव कर सकता हूँ। डिस्प्ले है, रेंडर है, कैशे है जो मुझे क्लियर करनी पड़ती है। हेल्प में नेट्रॉन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे मैं अबाउट नेट्रॉन पे जाऊँगा तो मुझे ये वर्जन दिखेगा जो है 2.3.1।